इस बार बिग बॉस ओटीटी के वीकेंड का वार काफी शानदार होने वाला है, जहां सलमान खान कुछ कंटेस्टेंट्स को फटकार तो लगाएंगे ही, लेकिन कभी मस्ती करते हुए भी नजर आएंगे। बता दें, पिछले वीकेंड के वार में कृष्णा अभिषेक ने सलमान खान की जगह शो की कमान संभाली थी, जहां वे काफी मस्ती करते और कॉमेडी के अंदाज में नजर आए थे। लेकिन सलमान खान इस बार फिर वापसी करेंगे, जहां वो कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाएंगे। इस बीच जियो सिनेमा ने शो के वीकेंड के वार का पहले प्रीव्यू रिलीज कर दिया है। इसमें सलमान खान और मनीषा रानी के बीच बातचीत होती दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा कैसे सलमान खान मनीषा रानी को उनके लव एंगल्स को लेकर इनडायरेक्टली डांटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस को ये बात कुछ पसंद नहीं आ रही है। कई फैंस मनीषा रानी के हक में सलमान खान को टारगेट कर रहे हैं, जहां सलमान खान को मनीषा रानी को बेवजह टारगेट करने और डांटने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं सलमान खान के इस अंदाज को देखे कुछ फैंस उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बता दें, मनीषा रानी शो के उन कंटेस्टेंट्स में से एक है जो खुद इतनी टीआरपी ले आती हैं, जहां आधे कंटेस्टेंट नहीं ला पाते। यही वजह है कि मनीषा रानी का फैन बेस बहुत ज्यादा मजबूत है। ट्विटर हो या कोई और सोशल मीडिया, मनीषा रानी को लेकर आए दिन कोई ना कोई हैशटैग ट्रेंड करता ही रहता है। वहीं वीकेंड के बाद में इस बार आपको जिया शंकर और एल्विश यादव के बीच की लड़ाई को देखकर भी मजा आने वाला है, जहां सलमान खान जिया शंकर को फटकार लगाने वाले हैं उनकी उस हरकत के लिए जो उन्होंने एक टास्क के दौरान किया था। बता दें, जिया शंकर ने एल्विश यादव को पानी में साबुन घोलकर दे दिया था, जिस वजह से सलमान खान उन पर भड़कते हुए नजर आने वाले हैं। वीकेंड के बारे में अब क्या होगा, ये तो वीकेंड का वार ही बताएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।